अरे उर्वशी, तुम इतनी रात में? भाभी, आई एम रियली सॉरी, इस वक्त मैंने आपको डिस्टर्ब किया। वो क्या है ना, मुझे स्टोर रूम की चाबियाँ चाहिए थी। स्टोर रूम की चाबी? हाँ, वो क्या है ना, प्रिंसेस को ठंड महसूस हो रही है, तो मैंने सोचा कि स्टोर रूम से प्रिंसेस के लिए एक एक्स्ट्रा कंबल ले आओ, इसलिए वो चाबी। पर स्टोर रूम की चाबी मेरे पास कहाँ रहती है? वो तो राधा के पास होती है। क्या चाबियाँ राधा के पास है? हाँ। मुझे तो लगा था कि घर की चाबियाँ घर की बड़ी बहू के पास होंगी, लेकिन भाभी, घर में बड़ी बहू के होते हुए किसी भी घर में छोटी बहू को चाबी नहीं देते। क्या आपके हाथ में कुछ भी नहीं है? ओ हाँ, राधा ने शादी से पहले इस घर में सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था, है ना? भाभी, क्या आप घर की चाबियां संभाल नहीं सकती? या फिर किसी को आप पे भरोसा नहीं? ओफो, मैंने तो बेकार इतनी रात को आपको जगा दिया। अब आप सो जाइए। हाँ, मैं चलती हूँ। अब जो भी होगा वो देखा जाए। इतनी रात को किसी के पास चाबी नहीं है तो क्या कर सकते हैं ना? बेचारी प्रिंसेस, मुझे कुछ करना होगा। उर्वशी, जरा एक मिनट ठहरो। क्या हुआ पम्मी भाभी? क्या आप इतनी रात को राधा के पास जाकर उससे चाबियां लेंगी? नहीं, मेरे पास एक कंबल है, मैं अभी ला कर देती हूँ, तुम ठहरो। लगता है इस पम्मी पर मेरी बातों का वही असर हुआ है जो मैं चाहती थी। मैं यहाँ कंबल लेने नहीं, इस घर में तुम्हें तुम्हारी औकात का एहसास दिलाने आई। अब रात भर चैन से नहीं सो पाओगे आप पम्मी भाभी। मेरा काम तो हो गया, अब आगे के काम को अंजाम देंगी हमारी प्यारी पम्मी भाभी। एलो जी, और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। जी हाँ पम्मी भाभी, अब प्रिंसेस तो आराम से सो पाएगी, आप भी आराम से सोना। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक्स। मुझे तो लगा था कि घर की चाबियां घर की बड़ी बहू के पास होंगी। घर में बड़ी बहू के होते हुए किसी भी घर में छोटी बहू को चाबी नहीं देते। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है? क्या आप घर की चाबियां संभाल नहीं सकते? या फिर किसी को आप पे भरोसा नहीं? नहीं। मम्मी, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? इस घर में तो सपने देखने का वक्त ही नहीं मिला मुझे। बहुत देर बाद समझ में आया मुझे, बहुत अनदेखी कर ली मैंने, पर अब मैंने फैसला कर लिया है। अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी।